छुपक पैदा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग, जल्लाद हैं। इससे तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बारी काट दीजिए मरीज को, बोला अंदर बुला के क्यों काटते हैं? चाइना घुमा लेने के लिए। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। क्या आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला, डॉक्टर सारे लोग मुँह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं आता अटेंडेंट। 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटा से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि पीपीई किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है, तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उसे 1700 रुपए लेके उसे पीपीई किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है, और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर, फिर मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मैग्नम हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैदागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए, जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे, वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे पैसा? उन्होंने कहा कि 40-40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं, इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षा के वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, 6 दिन क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं, मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए, हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारे दिल्ली में रहते हैं। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। इतने लोग शिकायत कर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत शिकायत चाह चुका है इस हॉस्पिटल का।